हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आंवला छुंदा। और आंवला हमारी सेहत के लिए, हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। खासकर सर्दियों में बनाया जाता है आंवला छुंदा, आंवला मुरब्बा भी बनाया जाता है, लेकिन बच्चे उसको थोड़ा कम खाते हैं क्योंकि उसमें आंवला दिखता रहता है थोड़ा मोटा मोटा। तो आप इस तरह से आंवला छुंदा बनाकर रख लीजिए, सालों साल ख़राब नहीं होगा। बच्चे एकदम जेम्स की तरह खाएंगे इसको। ब्रेड पे लगा के खाइए या फिर रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चों को खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये आंवला छुंदा, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हमें आंवला लेना है। तो आंवला आपको एकदम साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन लेना है, बिल्कुल भी कटा हुआ फटा हुआ नहीं लेना है। तो पहले आंवला को अच्छे से धो लेना है, उसके बाद किसी भी कपड़े से आपको इसे पोंछ लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस हमें मोटी वाली साइड से करना है, एक जो बारीक वाली साइड है उससे नहीं करेंगे। ये देखिए, ये जो मोटी वाली साइड है, मैं इसी साइड से इसको कद्दूकस कर लूँगी। थोड़े से मोटे मोटे छिलके इसके निकल जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जो इसकी गुठली है वो अलग निकल जाएगी। आंवला में बहुत ही ज़्यादा कसेलापन होता है, तो वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा जब हम आंवला को पकाएंगे। ये देखिए, इसके मोटे मोटे लच्छे निकल गए हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारा आंवला जो है कद्दूकस कर लिया है, इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग निकल गई हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे पकाएंगे। तो मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि लोहे की, एल्युमिनियम की या फिर पीतल की कढ़ाई नहीं लेनी है, नॉन स्टिक या फिर स्टील की ले सकते हो। तो पहले मैंने यहाँ पर चीनी डाला है, चीनी डाली है 300 ग्राम। और इसको, चीनी को हम पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं किया है। और इसके बाद हम इसमें ये सारा आंवला डाल देंगे, फिर हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है और इसको ढक्कन लगाकर हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चीनी और आंवला है अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसको एक बार मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से गर्म हो गई हैं। देखिए, हमें यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि आंवला में भी बहुत सारा पानी होता है और जो चीनी है वो भी पिघलेगी तो बहुत सारा पानी हो जाएगा। और अच्छे से मिक्स कर दिया है, फिर से हम इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये देखिए, 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है, जब तक आंवला छुंदा बनकर तैयार नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर ही रखना है। और ये देखिए, 5 मिनट में कितना सारा पानी इसमें से निकल गया है, चीनी भी अच्छे से पिघल गई है। और अब हमें इसमें डालना है गुड़। तो मैंने 300 ग्राम चीनी ली थी, 300 ग्राम गुड़ डाला है। आप चीनी की जगह पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री को पीस लीजिए फिर इसमें डाल दीजिए। और गुड़ मैंने 300 ग्राम लिया है, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। आप चाहें तो गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हो, मिक्स करने में आसानी होगी। मैंने इसको ऐसे ही तोड़ लिया था। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुड़ आपको एकदम साफ़ वाला लेना है, क्योंकि हम इसको छान नहीं सकते। गुड़ को अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो गुड़ है अच्छे से पिघल जाए। और ये देखिए, गुड़ सारा अच्छे से पिघल गया है। अभी भी इसमें बहुत सारा पानी है, क्योंकि जो आंवला था उसमें बहुत सारा पानी होता है, कसेलापन होता है, मतलब वो निकल जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। अगर आप थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो तीखी वाली मिर्ची भी डाल सकते हो। 1 छोटा चम्मच मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। और अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो जहाँ पर मैंने आंवला डाला था वहाँ पर आप फ्रेश अदरक को भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ही अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। सर्दियों में जब हम हल्दी वाला दूध पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दी खांसी जुकाम में भी बहुत ही ज़्यादा आराम देता है।
हल्दी, सौंठ का पाउडर, काली मिर्ची, सारी ही चीज़ें हमने सर्दियों के लिए इस्तेमाल की हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को और ढक्कन लगाकर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। और ये देखिए सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और जो गुड़ और चीनी है वो भी अच्छे से पक गया है। हमें इसको ज़्यादा यहाँ पर टाइट नहीं करना है, देखिए एकदम चिपचिपा सा हो जाए बस इतना हमें इसको रखना है, नहीं तो इसकी चाशनी बन जाएगी, फिर जो आमला छुंदा है वो एकदम हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारा आमला छुंदा बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसे आप किसी भी कांच के डब्बे में एयरटाइट कंटेनर होना चाहिए या फिर चीनी मिट्टी का डब्बा होना चाहिए, उसमें भरकर रख दीजिए, सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो आप ये आमला छुंदा ज़रूर से बनाइए और मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।